कुछ मेंढक टहल रहे थे। चलते चलते अचानक दो मेंढक एक गड्ढे में गिर पड़े। गड्ढा गहरा था और ऐसी जगह जाके गिरे और उन्हें चोट लगी और वो दोनों मेंढक गिरने के बाद उछलने का प्रयास करने लगे। बहुत गड्ढा गहरा था। फिर वो दोनों निकलने का प्रयास करने लगे तो बाकी जो सारे मेंढक थे वो गड्ढे के चारों ओर खड़े हो गए और आवाज देने लगे कि रहने दो यार, क्यों परेशान हो रहे हो, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब तुम मरने का इंतजार करो और बार बार उछल कूद करते रहोगे तो निकलते पाओगे नहीं और तुम्हें चोट लगती रहेगी। लेकिन फिर भी वो दोनों मेंढक कोशिश करते रहे और फिर उन्हें चोट लगती रही। फिर ऊपर वाले मेंढक बोल रहे थे, काहे परेशान हो रहे हो, तुम निकल नहीं पाओगे, गड्ढा बहुत गहरा है। थोड़ी देर के बाद जो एक मेंढक था वो प्रयास करना बंद कर दिया और कोने में जाके चुपचाप बैठ गया। लेकिन दूसरा वाला मेंढक था वो उछल कूद करता रहा, कोशिश करता रहा, बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। अब ऊपर वाले मेंढक तो बोल ही रहे थे ये, और फिर क्या नीचे वाला मेंढक भी बोलने लगा, अरे रहने दे भाई, मेरे से नहीं हुआ तेरे से भी नहीं होगा, मैंने तो हार मान ही लिया है, तुम भी नहीं कर पाओगे, तुम भी हार मान लो, चुपचाप मेरी तरह मरने का इंतजार करो। लेकिन उसने नहीं सुनी, पता ही नहीं चला, वो लगा रहा और वो सचमुच बाहर आ गया। बाहर आ गया तो किसी को समझ में नहीं आया कि ये मेंढक कौन सा अजूबा है जो ये इतने बड़े गड्ढे से बाहर कैसे आ गया, इतनी लंबी छलांग लगा कैसे लगी। सारे मेंढक उससे पूछने लगे, बता भाई कैसे किया, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ समझ में नहीं आया मेंढक को। फिर उसने कुछ बोला नहीं। बाद में जो जाके उन्हें पता चला, वो मेंढक जो बाहर निकल के आया वो बहरा था, उसने सुनी ही नहीं, किसी की नहीं सुनी, और ऊपर वाला क्या बोल रहा है और नीचे वाला मेंढक क्या बोल रहा है और इशारों से उसने समझा। उसे लगा कि बहुत सारे जो मेंढक है वो गड्ढे के ऊपर थे और वो बोल रहे थे कि शाबाश, उसे इशारों को उसने समझा कि वो बोल रहे कि शाबाश शाबाश, तुम बाहर निकल सकते हो, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, और नीचे वाला मेंढक बोल रहा है, मैं तो नहीं कर पाया, तू लगा रहे, शायद तू कर ले। और वो क्या है, मेंढक इसी चक्कर में बाहर आ गया। तो उसने किसी की नहीं सुनी और उसके जो दिमाग में था उसने उसी हिसाब से अंदाजा लगाया कि बाहर वाले मेंढक है वो क्या कह रहे हैं। तुम भी किसी की मत सुनो और लगे रहो, कोई कहे कि तुम नहीं कर सकते तो उन पर ध्यान मत दो, और तुम कोशिश करते रहो, तुम जरूर सफल हो जाओगे।